कंप्लीट क्वांटम मैकेनिक्स फॉर ऑल यूनिवर्सिटी लेवल। तो हम लोग यहाँ पर सारी मतलब यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स को टारगेट करने के लिए यहाँ पर हम एक पूरी लेक्चर सीरीज लेकर आए हैं क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, अलॉन्ग विद क्वेश्चंस, अलॉन्ग विद नोट्स, अलॉन्ग विद एवरीथिंग जो भी आपका यूनिवर्सिटी लेवल में पूछा जाता है। हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे नॉर्मलाइजेशन के, तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज डील करने वाले हमारे होमवर्क वाले क्वेश्चन को, जो कि मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया हुआ था। यस, आई फाउंड इट, वो स्लाइड मुझे मिल चुकी है। तो ये हमारा था होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन क्या था हमारा, कि हमने क्या करना है, नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन। ये हमको वेव फंक्शन दिया हुआ था, हमने इसको क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है। ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं फालतू चीज़ें। तो हमारे पास ठीक है, तो हमारे पास वेव फंक्शन है साई एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर मॉड ऑफ एक्स साइन एल्फा एक्स। ये मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ था क्वेश्चन। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, कि सबसे पहले तो हमें एक प्रॉपर वेव फंक्शन मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने माना कि हमारा जो भी नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है वो हमने बोला कि वो इस फॉर्म में है, इसको हाईलाइट करी हूँ पर्पल कलर से। तो फाई एक्स इज इक्वल्स टू एन फाई एक्स, ठीक है, और फाई एक्स की जगह पे ये पूरा 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 हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि इस पूरे को हमने ना लिखकर सिर्फ फाई एक्स लिखा हुआ है। ओके, जहाँ पर जो एन है ना, ये आपका नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट है, या फैक्टर भी आप इसको कह सकते हो। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑल ओवर द स्पेस, क्योंकि यहाँ पर भी हमें क्या नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर भी हमें मतलब कोई लिमिट्स नहीं दी हुई है। तो हम लोग ऑल स्पेस लेकर चलेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के लिए। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फैक्टर पे मतलब ये लेकर चलेंगे, तो इसको हम फिर से साई साई स्टार करेंगे, फिर साई इंटू साई स्टार की वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वहाँ से लेकर चलेंगे, फिर आगे चल के देखो क्या क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये हमारा। ओके, तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन ये होती है ना, सबसे टॉप पे जो लिखी हुई है ये आपकी नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है। बस आपने साई की, ये साई की वैल्यू है, ठीक है, और दूसरी वाली आपकी क्या है, साई स्टार की वैल्यू है, ये वाली साई स्टार की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से dx इक्वल्स टू वन हो गया, फिर n इंटू एन स्टार को आपने बाहर कर लिया है अगेन यहाँ पर, और अंदर आपका फाई एक्स बचा, फाई स्टार एक्स बचा, dx बचा इक्वल्स टू वन। तो यहाँ से फिर से ये आपका हो गया मॉड ऑफ एन स्क्वायर, और इस पे आपने वैल्यूज रख दी, साई एक्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, और ये वाली वैल्यू फिर आपने देख लिया कि यहाँ पर आयोटा नहीं है, तो आपने फिर से इसको ऐसे ही लिखा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से ये हो जाएगा e टू द पावर ये माइनस टू एक्स हो जाएगा, और साइन स्क्वायर एल्फा एक्स हो जाएगा, इसका हो जाएगा वन माइनस कॉस टू एल्फा एक्स अपॉन टू होता, तो वो टू हमने पहले ही बाहर लिख लिया है, और लिमिट आपको पता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ही यहाँ पर चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिर से हमने इस फंक्शन को थोड़ा इलेबोरेट करके लिख लिया है, इसको हमने फिर से इस तरीके से लिख लिया इलेबोरेट करके। तो यहाँ पर ना हमारा एक प्रॉपर्टी लग रही है, ये तो चलो हमारा इजीली हो जाएगा जो पहला वाला फंक्शन है, मैं इसको थोड़ा सा दूसरे से दिखाती हूँ। ठीक है, ये हमारा पहला फंक्शन है, तो पूरा ही मैं दिया। ठीक है, ये हमारा था पहला फंक्शन ये वाला, तो ये तो इजीली हो जाएगा हमारा, है ना। तो जो दूसरा वाला फंक्शन है ना ये वाला, इस पे हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग रहा है, क्योंकि एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको पता ही ये होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शन dx इज इक्वल टू फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, बड़ा इंटीग्रेशन लगाते फिर dy dx ऑफ फर्स्ट करते हैं, मतलब यहाँ पर डिफरेंशियल करते हैं, फिर यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं, फिर इस पूरे आंसर का इंटीग्रेट करते हैं। तो ये सब करने के बाद आप लोगों का क्या आएगा, आप इसको कॉपी या पेन पे पढ़ेगा इजिली सॉल्व करना, बहुत आराम से हो जाएगा। नहीं होगा तो मुझे कमेंट करना, आई विल ट्राई कि मैं यहाँ पर इसको करूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर ये वाला चीज़ तो हमारे पास एड एज इट इज़ रही, और ये फर्स्ट फंक्शन है, इसकी वैल्यू ये है, और सेकंड फंक्शन को जब अपने इंटीग्रेट किया सब कुछ के वैल्यूज वगैरह रखी, तो यहाँ पे अल्फा के टर्म्स में आया हमारे पास माइनस अल्फा स्क्वायर वन प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और बीच में इनके माइनस साइन ऑलरेडी था, तो ये पूरा फंक्शन तो हमारा जीरो हो गया, क्योंकि एक्स की जगह पर इन्फिनिटी या जीरो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो ये फंक्शन पूरा हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ बचा मॉड ऑफ एन स्क्वायर अपॉन टू अल्फा स्क्वायर वन प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू वन। ठीक है, सिर्फ हमारे पास इतना बचा हमारे पास ये फंक्शन, तो फिर इसको हमने फिर से ये इस तरीके से लिख लिया, क्योंकि स्क्वायर था तो हमने पावर वन बाई टू लिख लिया यहाँ पर। तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन जो हमारा आएगा फाइनली, इट विल बी ये है। तो साई एक्स क्या हो जाएगा हमारा, साई एक्स हमने बोला था कि एन इंटू फाई एक्स होगा, और फाई एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, फाई एक्स की वैल्यू है ये जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दी है द लास्ट में, और जो हमारा एन निकल कर आया है वो है ये वाला फंक्शन, तो मैंने नीचे लिखा भी हुआ है। ठीक है, ये वाला टर्म हमारा गिवन है जो नीचे आपको दिख रहा है। ठीक है, जो ये वाला टर्म है ये आपका गिवन है। ठीक है, ये वाला टर्म गिवन है, ये वाला टर्म आपका n है, मतलब नॉर्मलाइज्ड जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है n है ये हमारा, और ये वाला फंक्शन आपका फाई एक्स है, ये भी आपको गिवन था क्वेश्चन में। ठीक है, कंडीशन ये गिवन थी। ठीक है, ये वाली n इंटू फाई एक्स वाली कंडीशन गिवन थी।
सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करना, क्योंकि हम डेली क्वेश्चन करा रहे हैं. तो ये आपका है होमवर्क क्वेश्चन अगेन, इसको आप होमवर्क में ट्राई करेंगे. थोड़ा बहुत हिंट आपको इस पर दिख भी रहा होगा, बट आपको इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना है, और आपको यहाँ पर डोमेन भी दिया हुआ, मतलब रेंज दी हुई है, और ये बताया कि जो आपका ए है और ये जो स्मॉल ए है, ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है. तो ए वैसे वैसे भी हमारा नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट होता है, आपने इस ए की वैल्यू को ही यहाँ पर निकालना है. तो फिर आप वही सब कंडीशन लेकर चलोगे, और यहाँ पर हमने जो आपको ये बताई हुई थी ना, इसको ट्राई करना, जो ये वाला था, ठीक है, इसको इसको लेकर चलना है इस क्वेश्चन में, ठीक है. तो आपको समझ में आ जाएगा और आप लोग कर लोगे इजीली इसको. सो यस, तो ये है हमारा, मैंने तो यहाँ पे सॉल्यूशन दिखा दिया, कोई बात नहीं, कल समझाऊंगी इसको, अगर सॉल्यूशन देख भी लिया तो आपने. बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं आइगन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डायनामिकल फंक्शन पढ़ने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय.